एवरीवन, आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट कांस्टेंट पे, रेट ऑफ रिएक्शन में। तो इसको जानने से पहले मुझे कुछ कॉमन टर्म्स है इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे क्या होता है इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले मान लो कोई एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए। क्या है, कोई रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है एंड रिएक्टेंट सी है। रिएक्टेंट ए को मान लेते स्टूडेंट ए, क्या मान लिया स्टूडेंट ए। बी को स्टूडेंट क्या मान लिया, बी मान लिया है ना, और सी को स्टूडेंट सी मान लिया। ठीक है, ये तीन स्टूडेंट हैं। ठीक है, इसके पास इंटरनल एनर्जी मान लो कि 30 जूल है, इसके पास मान लिया 20 जूल है, इसके पास 10 जूल है। इसका मतलब क्या है, ए के पास पहले इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, ए ज्यादा तेज है, इंटरनल एनर्जी ज्यादा, मान लो ज्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट, उससे थोड़ा एवरेज है। ये क्या बिलो एवरेज, ये तीन अलग अलग स्टूडेंट है। बट ये तीनों स्टूडेंट क्या करें, किसी कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, पेपर देना चाहते हैं। मान लो कि आईटीजे का पेपर बैठना है, तो तीनों के लिए क्या पैटर्न जो होगा एग्जामिनेशन का, तीनों के लिए सेम होगा और उसका लेवल भी होगा तीनों के लिए सेम होगा। चाहे ए के लिए बात करें या बी की बात करें या सी के लिए, तो एग्जामिनेशन लेवल जो हुआ ना तीनों के लिए ए बी और सी के लिए, यही थ्रेशोल्ड लेवल कहलाया। उसी तरीके से ए बी और सी का जो एनर्जी लेवल है जहां वो रिएक्शन कर सकता है, चाहे ए हो या बी हो या सी हो, जहां वो रिएक्शन कर सकता है वह एनर्जी क्या है, थ्रेशोल्ड एनर्जी। मान लीजिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से माना 60 जूल तीनों के लिए, ए बी सी और डी। ठीक है, आईआईटी जेई है ना, तीनों के लिए, तीनों के लिए क्या आईआईटी जेई पेपर तीनों क्या क्या है, सेम ही है नहीं, बट तीनों के लिए आईआईटी जेई है। चाहे ए के लिए भी आईआईटी जेई, बी के लिए भी आईआईटी जेई और सी के लिए भी आईआईटी जेई। ए थोड़ा तेज स्टूडेंट है, थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है, ये क्या बिलो एवरेज स्टूडेंट। बट अब देखो क्या है, जो तेज स्टूडेंट है ना उसको कम एनर्जी है ना, 30 जूल हम उसको दे दिया, तो इसका मतलब 30 प्लस 60 मतलब कि रिएक्शन पॉसिबल। उसी तरह से तेज स्टूडेंट था उसे कम मेहनत पे क्या होगा, आईआईटी जेई क्वालिफाई कर सकता है ऐसा। बट थोड़ा एवरेज स्टूडेंट में, थोड़ा सा एवरेज स्टूडेंट में क्या होगा, पहले से 20 है, पहले ही इंटरनल एनर्जी इसकी कम है, इसका मतलब यार 20 से 40 और देना पड़ेगा, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है आईटी जेई क्वालिफाई करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। उसकी बात करते हैं सी की, सी को कितना देना पड़ेगा, 50 जूल देना पड़ेगा, इसका मतलब 50 प्लस 10 60 जूल, मतलब ये कि सबसे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा किसको, 50 जूल, क्योंकि इसका इंटरनल एनर्जी कम है। तो इंटरनल एनर्जी जिसका कम है उसको ज्यादा मेहनत करने का आईटी जेई को क्वालिफाई करने के लिए, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये मान लो कि 4-3 साल में हो सकता है कि 4 साल में हो सकता है कि 5 ईयर माना है ऐसा, 3 साल 4 साल और 5 साल हम मानते हैं, हम माना कि इसको 3 साल में इतना 30 जून में पहुंचा, हो सकता है ये 4 साल में क्वालिफाई किया, हो सकता है ये 5 साल में क्वालिफाई करे, तो ये एवरेज स्टूडेंट को थोड़ा सा मेहनत बढ़ाना पड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एवरेज जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, और जो पहले से काफी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं उसको कम मेहनत भी का आईटीजेई क्वालिफाई कर जाएगा। इसका मतलब ये कि कोई भी मॉलिक्यूल अपने पास जो इंटरनल एनर्जी होता है, अपने पास जो एनर्जी होता है वो इंटरनल एनर्जी कहता है, इंटरनल एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या करेंगे, ए के लिए जो टीचर होगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी तक पहुंचाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को देगा। बी के लिए भी क्या करें, बी में ज्यादा देगा क्योंकि बी के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ रही है। उसी तरह से सी के लिए भी क्या होगा, ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये है क्या, इंटरनल एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी।